गुड मॉर्निंग। और आज बने हैं बथुए के चने के साथ में, चने के आटे और गेहूं का आटा मिक्स करके पराठे। और बस अभी सबने खा लिया है। सर्दियों में ना बेसिकली पराठे ही बनते हैं, अंदर घी लगा देते हैं, ऊपर से मैं लगाती नहीं हूँ, बस उसको सेक देती हूँ रोटी की तरह। तो एक तरीके का रोटी भी कह सकते हैं, पराठे भी कह सकते हैं। अभी मैं बना रही हूँ मुलैठी की चाय। तो मैंने इसमें चाय पत्ती, इसमें मुलैठी डाल दी है पिसी हुई। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है मुलैठी पिसी हुई। यहाँ पर मैंने ना मुलैठी को ऐसे पीस के रख लिया था घर पे ही। मुलैठी की डंडियाँ आती हैं, उसको पीस के रख लीजिए। और चाय बनाते हैं या दूध बनाते हैं, जिसमें भी आपको डालना है ऐसे डालकर आप इसको पी सकते हैं। टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि आपकी चाय का टेस्ट ख़राब कर देगी, बहुत अच्छी रहती है उसके अकॉर्डिंग भी। हाँ जी ठीक है। मेरा हेयर कट डन हो गया, मम्मी जी भी करवा रहे थे और मेरा भी, तो दोनों ने हेयर कट करवाया है। और मेरा वैसे करवाने का मन नहीं था क्योंकि मेरे बाल ना फिर मुझे लंबे ही अच्छे लगते हैं, पर मैंने सोचा भैया वहाँ पे गए हैं तो करवा लेते हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद में फिर बार बार मेरा जाना होता नहीं है और मैं सिर्फ आईब्रोज करवाने के लिए जाती हूँ पार्लर और कुछ भी काम नहीं करवाती। तो मम्मी जी का भी करवा दिया और आज हमारा क्रिसमस बन गया, हमने हेयर कट करवा के आए क्रिसमस पे। अच्छा लग रहा है। मैं करवाना नहीं चाहती थी पर मैंने करवा लिया। ऐसे फ्री मिला तो करा लिया। तो जी नए हेयर कट की खुशी में बस हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मुलैठी की चाय, उनको पीनी है। शाम होती है, खांसी शुरू हो जाती है, तो बस उनकी चाय बना देती हूँ। और कल वैदिक को जाना है स्कूल। और दिल्ली में ना इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है, पूछो मत, बहुत ज़्यादा। और आज तो इतना ज़्यादा सर्दी लग रही है, रजाई में से भी निकलने का मन नहीं कर रहा। मैं इवन नहा के आई थी सुबह सुबह और कपड़े वॉश किए थे, उसके बाद आप मानोगे नहीं मैं 11 बजे तक रजाई के अंदर से नहीं निकली, इवन खाना खाने के लिए भी नहीं निकली, मैं उठी ही नहीं थी। तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी, नहाने के बाद एकदम पूरी जाम हो गई थी। तो फिर नहा के बस खाना खाया ही नहीं और डायरेक्ट आके सो गई। फिर 11:30 बजे उठ के फिर खाना बनाया और फिर खाया मैंने।
भी पिए, लेकिन मुझे पीना पड़ता है अपना ग्लो बिल्डर, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं इससे कितनी ज़्यादा चमक आपके चेहरे पर आती है, और बिना ट्यूबलाइट के भी आप चमकोगे, इतनी चमक आने वाली है। और लेकिन मैं इसका आपको एक सच वाला रिजल्ट बताती हूँ कि जो हेयर फॉलिंग है ना, मुझे जो थोड़ी बहुत हेयर फॉलिंग थी ना वो भी ख़त्म हो गई है इससे। आज की मैं आपको बात बताती हूँ, जब मैं वहाँ पर गई, मेरा हेड वॉश किया उन्होंने, हेयर ऑयलिंग की हुई थी, मैंने चंपू बनी हुई थी पूरी में, और जब उन्होंने ना मेरा हेड वॉश किया, फिर कॉम किया ना, मतलब आप जानोगे नहीं, इतने से मुश्किल से 5-6 हेयर्स हेयर फॉल हुए हैं, बाकी मेरा हेयर फॉल भी नहीं हुआ। तो मतलब इतना तो होता ही है जब आप हेड वॉश करते हो, उसको ठीक से आप उसको मतलब सुलझाते हो, बालों को डिटेंगल करते हो, तो थोड़े बहुत बाल तो झड़ते ही हैं, वो सबके बट झड़ते हैं, नॉर्मल है। और जो तो ना मैंने 3 दिन से कॉम नहीं किया था, क्योंकि मेरे को ना कॉम करने में सर्दियों में बहुत जोर आता है, तो मैं बस ऑयलिंग करके छोड़ देती हूँ मेरे बालों को। तो मैंने 3 दिन से बाल नहीं बनाए हुए थे, फिर उसके बाद हेयर ऑयलिंग कर ली थी, प्लस मैंने फिर हेड वॉश नहीं किया हुआ था, तो एक तरीके से उलझे उलझे बाल थे मेरे। तो उन्होंने जाकर मेरा हेड वॉश किया अच्छे से, फिर उसके बाद मैं कॉम किया ना, मेरे बाल नहीं टूटे, तो ये इसी का ही कमाल है। और प्लस जो मैं जूस पीती हूँ, आंवला, गाजर और चुकंदर और अदरक का, उसका भी कमाल है। ऐसा नहीं है, सारा क्रेडिट मैं इस चीज़ को नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो जो जूस है ना वो मैं 1 महीने से पी रही हूँ, तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा दिखेंगे इसकी बजाय। तो अगर दोनों जूस के साथ कंपेयर करें तो यस, मैं कह सकती हूँ आपका हेयर फॉल जो है वो बहुत ही हद तक कम हो जाएगा अगर आप ये जो जूस है वो ट्राई करते हो तो। और आंवला को तो डेली अपनी लाइफ में ऐड कर लो इस तरीके से, ये 2 आंवला लो, 3 चम्मच जूस निकालो, शहद डालो, और अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही आप सुबह उठते हो खाली पेट हो, सबसे पहले इसका इंटेक कर लो। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना आपकी स्किन की, हेयर्स की, आपको यूरिन की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है ना, यूरिन बार बार आना, आपको आयरन की कमी है बॉडी में, थकावट फील होती है, शारीरिक कमजोरी है, किसी भी तरीके की आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, क्योंकि आंवला में भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, जो कि आपकी हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपको जवान बनाए रखता है बहुत लंबे टाइम तक। तो अब देख लो, मेरा भी बर्थडे आने वाला है, मैं भी 30 साल की होने वाली हूँ, लेकिन अभी तक 30 साल की नहीं लगती हूँ क्योंकि मैं अपनी डेली डाइट में आंवला ऐड करके रखती हूँ। तो ज़रूर खाओ, और ये आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको ये जूस ट्राई करना है तो। और सर्दियों में ना मैं इसको हल्के से गुनगुने पानी में ले रही हूँ, क्योंकि गुनगुने पानी में अगर मैं इसको नहीं लूँगी ना, तो ये क्या है कि जैसे मुझे ठंडे पानी से ना मेरे दांतों में दर्द होने लग जाता है, इतना ठंडा हो चुका है पानी अब, तो इसलिए मैं गुनगुने पानी में इसको ले रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरे आप देखते हो ना, जब मैं बोलती हूँ तो यहाँ पर मेरा एक ये चीज़ ऐसे फूल जाती है, तो ये चीज़ ना बेसिकली कोई पिंपल नहीं है, ये मेरा ना कॉलेज के टाइम में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर पूरे इस जगह ना फेस के अंदर गड्ढा हो गया था इस तरीके से। तो ये जो चीज़ थी ना, ये एक तरीके से वहाँ की आप समझ सकते हो, डॉक्टर ने सर्जरी करके कुछ ठीक किया था, और यहाँ भी, और एक नेक के पास भी है ये पूरा एरिया, अगर आपको अभी भी विजिबल हो तो। अब तो काफ़ी हद तक कम हो गया है अपने आप ही, नहीं तो बहुत ज़्यादा था ये। तो जब देखो, ये जो यहाँ पर एक राउंड सा बनता है, ऐसा लगता है जैसे मोटा सा पिम्पल है, बट वो एक्चुअल में पिम्पल नहीं है, वो डिम्पल है जो मुझे एक्सीडेंट से मिला है। तो ये चीज़ वो है, और इस पर हल्की सी भी कोई पिंपल हो जाएगा ना, तो वो इतना मोटा लगेगा जैसे बहुत मोटे अमाउंट में पिंपल हो रहा है। देखो मैं बोलती हूँ तो इधर यहाँ पर फूलता है, ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ था ना, पूरे फेस पे लग गई थी, इतना इतना फेस खराब हुआ था, नेक पे पूरा, हाथ पैरों के, घुटनों में, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली मैं गिरी थी, और मैं नहीं चला रही थी, ड्राइव मैं नहीं कर रही थी, मेरी फ्रेंड कर रही थी और मैं उसके पीछे बैठी थी, तो ये उस चीज़ की निशानी है। तो मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, और इसके ऊपर मैंने अच्छे से सरसों का तेल लगा के उसकी मालिश कर दी है, और इसको भूनूंगी। एच बनाओ यहाँ पे, इसके आगे जी के बाद में एच बनाओ, स्मॉल एच। What are you doing, baby? हाँ दोस्तों आ गया, ज्यादा हीरो मत बन। हेलो, फिर जय श्री राम। क्या होता है हेलो, स्कूल में जाके हेलो हेलो करने लग गए हो आप? जी ऐसे गंदी बात होती है हेलो बोलना, क्या बोलना होता है आपको? हेलो करना नहीं करना होता है, हेलो जो भी आपको हेलो बोले उसको क्या बोलना है आपको, क्या बोलना है? जय श्री राम। और
राधे 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 और हरे कृष्णा राधे 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 राधे।